नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपका जीवन कैसा होगा ये आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर वास्तुशास्त्र की बात करें तो आपके घर में मौजूद कई चीज़ें सकारात्मक तो कुछ चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा की वाहक होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी नकारात्मक चीज़ों को वक्त रहते घर से हटा देना चाहिए, वरना दुर्भाग्य के घर में दस्तक देने में देर नहीं लगती और धन की देवी माँ लक्ष्मी भी हमेशा के लिए परिवार से नाता तोड़कर चली जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके घर में कभी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके घर से हटा देना चाहिए। सूखे पेड़ पौधों को तुरंत हटा दें। किसी भी घर का असली गहना उसके चारों ओर लगे हुए हरे भरे पेड़ पौधे माने जाते हैं। हालांकि अगर यही पेड़ पौधे सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देने में ही समझदारी होती है। ऐसा न करने पर वे घर में नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े वाहक बन जाते हैं। इससे जीवन में अनेक परेशानियां पैदा होने लगती है। घर के आगे कभी कांटे वाले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। दूसरी चीज, मकड़ी के जालों की सफाई करते रहें। वास्तुशास्त्र की बात करें तो किसी भी घर में मकड़ी के जाले होना या दीमक लगने को बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घरों में ग्रह क्लेश और आर्थिक तंगी भी अपना स्थान बना लेती है। ऐसे में जब भी दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए। नंबर तीन, गंदगी से रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। माना जाता है कि घर पर गंदगी रहने से वहाँ बीमारियाँ और दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में रहने वाले लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और धन वैभव से नाता टूट जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कभी ऐसी नौबत आए तो नियमित रूप से आपको घर की साफ सफाई करनी है। नंबर चार, कमरों को कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर एक कमरा साफ सुथरा और सलीके वाला दिखना चाहिए। अगर आप सामान को इधर उधर फेंक कर रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपती है जो आपकी मेहनत और किस्मत को दबा देती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग आर्थिक परेशानियों से भी कभी उबर नहीं पाते। ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए इससे बचने के लिए अपने घर के हर एक हिस्से को हमेशा साफ सुथरा और सलीके सुदा बनाए रखना चाहिए। नंबर पाँच, कबाड़ का सामान घर में नहीं रखना चाहिए। रोज़ाना की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम भिन्न प्रकार की चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। उनमें से कई चीज़ें अक्सर टूट फूट जाती है। ऐसी कबाड़ हो चुकी चीज़ों को घर में स्टोर करने के बजाय बाहर बेच देना चाहिए। इस तरह के कबाड़ को घर में रखना निर्धनता और दुर्भाग्य को बुलावा देना होता है। इसलिए खराब हो चुकी चीज़ों से जितनी जल्दी छुटकारा पालें उतना ही अच्छा रहता है। ये जानकारी इंटरनेट और अन्य माध्यमों से आपको दी जा रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कर लीजिए।